हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल विद क्रिएटिव माइंड। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल ब्लू कलर में आई मेकअप करना बताने वाली हूँ। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो आई मेकअप आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये इसमें जो डार्क ब्लू कलर है, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने क्या लिया है। तो आप जानने के लिए मेरी ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास भी अवेलेबल होंगी, लेकिन शायद आपको वो चीज़ नहीं पता है कि ऐसा आई मेकअप भी हो सकता है। तो फिर चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ आज आपको आई मेकअप ही करना बताने वाली हूँ, कंप्लीट मेकअप मैं आज नहीं बताऊँगी। और ये आप देख रहे हैं, अभी मेरी आईज़ बिल्कुल कुछ नहीं लगाया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईज़ पे अप्लाई करेंगे। आप कंसीलर भी ले सकते हैं, मैं फाउंडेशन ले रही हूँ फिटमे का, और मैं इसको अप्लाई करूँगी अपनी आईज़ पर। और ये देखिए, मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ, कोई ब्यूटी ब्लेंडर या मैं कुछ भी चीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं अपनी फिंगर से ही इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। इसमें हमें ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। और आज मैं इसको करने वाली हूँ ब्लेंड इस ब्रश से। बहुत ही सॉफ्ट, इतना अच्छा ब्रश है ये। बेसिकली हमारे फाउंडेशन क्रीम को ही ब्लेंड करने के लिए है। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ये ऑनलाइन ले सकते हैं। मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेज़ किए हैं। तो अगर आप इस तरह के ब्रश लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के परचेज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड किया है इस ब्रश की हेल्प से। बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है, यू कैन सी। एंड नाउ ये है मेरे पास फिटमे का कॉम्पैक्ट, जो कि हमने जो फाउंडेशन लगाया है उसको अब मैं सेट करूँगी। तो आपको मैंने पहले भी बताया, हम फाउंडेशन या बीबी क्रीम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं उसके ऊपर हमें कॉम्पैक्ट ज़रूर लेना होता है उसको सेट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईब्रोज से। मैं अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ ब्राउन कलर से, और ये मैंने ब्रश लिया है, ये फ्लैट ब्रश है बेसिकली। और दूसरे ये फ्रेंड्स की जहाँ जहाँ गैप है, आप सिर्फ वहीं से आईब्रोज को फिल करिएगा, वरना वो बहुत कह सकते हैं कि ये ऐसा लगता है जैसे कोई आर्टिफिशियल आईब्रोज है, वो तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो जहाँ जहाँ आपके गैप्स हैं सिर्फ वहीं से आप फिल करिएगा। देखिए, और ये है मेरा पैलेट जिसको आज मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी क्रीज लाइन पे। तो ये इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, तो इसमें मैं ये लाइट शेड आज लूँगी। और ये ब्रश है मेरा, काफ़ी फ्लफी ब्रश है, ये भी उसी में का है, तो काफ़ी अच्छा है, इससे आई मेकअप काफ़ी अच्छा होता है। तो इसको मैं अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी। ये सॉरी, यहाँ से वीडियो थोड़ा कट हो गया था तो मैं पूरा दिखा नहीं पाई, बट वो हल्का सा ही ब्लेंड करना था। उसके बाद ये ब्लू कलर ले रही हूँ मैं, और इसको अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। तो हमें ये ब्लू कलर, ये बहुत ज़्यादा आई शेडो डार्क नहीं करना है, थोड़ा लाइट ही रखना है। और इसमें ब्लेंडिंग का बहुत ध्यान रखना है गाइज, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो आई मेकअप में जो मेहनत लगती है और जो अच्छा लुक आता है वो आता है हमारा ब्लेंडिंग से, क्योंकि हम ब्लेंडिंग जब अच्छी करेंगे तो आई शेड भी हमारा, आई मेकअप हमारा बहुत अच्छा होगा। तो आपको ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही फॉलो करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और ये देखिए, सेम कलर अब मैंने फिर से लिया है और अब मैं इसको फिर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ब्लू कलर मेरा बहुत डार्क नहीं है, ब्लू के साथ ही मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो ब्लेंडिंग में ही लगता है, तो ब्लेंड हमें बहुत अच्छे से करना होता है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैं आज ब्लू कलर का लेकर के आई हूँ आई मेकअप आपके लिए। अगर आप कोई और कलर चाहते हैं और ड्रेस के साथ चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं ब्लू ड्रेस आज पहनने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं ये ब्लू कलर मेकअप कर रही हूँ। और ये ब्लू कलर, अभी आपको पता चलेगा कि जो डार्क ब्लू कलर किया है मैंने क्रिएट, वो किस चीज़ से किया है। तो आप वीडियो देखते रहिएगा, वो अभी जैसे ही मैं करने लगूँगी बहुत जल्दी मैं आपको शेयर करूँगी। तो वो ये है मेरी
कह सकते हैं काजल। ये ब्लू हेवन का ब्लू कलर का काजल है, ब्लू हेवन का ही है और ब्लू कलर का है। और इससे ही मैं आज अपने आई मेकअप प्रॉपर कंप्लीट करने वाली हूँ, है ना सरप्राइज। ये काजल है और मैं इससे आज आई मेकअप कर रही हूँ। आप ये देखिए, इसे बहुत प्यारा लुक आएगा। और मैं ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेकर के जा रही हूँ, आप देख रहे हैं कि थोड़ा नीचे ही मैंने इसको शेप दिया है। तो इसको अब मैं फिल करूँगी इसी से, बहुत आराम आराम से आपको फिल करना है, क्योंकि इस ये टूटने का भी डर रहता है। बहुत सॉफ्ट होता है काजल, आप लोग भी यूज़ करते हैं, अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो वो टूट जाता है। तो इसको मैं फिल कर रही हूँ, ये मैं इतना फास्ट कर नहीं रही हूँ एक्चुअली, यहाँ पे इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो अपनी फास्ट फॉरवर्ड की है। और ये है मेरा ब्लैक काजल लैक्मे में, और इससे मैं करूँगी साइड का आई मेकअप कंप्लीट। बहुत इजी है फ्रेंड्स, और आजकल तो जो काजल हैं वो हर तरह के शेड्स में आते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी डार्क कलर में इस तरह का आई मेकअप लुक, तो आप कोई भी आप कोई भी काजल ले सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही हूँ मैं भी आज। तो आप कोई भी काजल ले सकते हैं, किसी भी कलर का काजल ले सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, वाइट, हर तरह का काजल आता है, और उससे आप अपना ये इतना प्रिटी आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने काजल से किया है, और ये बिल्कुल नहीं लगता है कि ये काजल यूज़ किया हुआ है। और सेम प्रोसेस मैं अपनी दूसरी आईज पे करूँगी। सो नाउ ये कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं करने वाली हूँ यही ब्लू कलर अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई, और वाटर लाइन के थोड़ा बाहर की साइड में। तो अभी फ्रेंड्स मैं सिर्फ जो ब्लू कलर कर रही हूँ अपने वाटर लाइन पे भी ब्लू कलर किया है, बट अभी मैं अपने वाटर लाइन पे एक दूसरा काजल भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे इतना डार्क वाटर लाइन पर ब्लू कलर नहीं करना है, थोड़ा लाइट ब्लू कलर रखना है। इसीलिए मैंने पहले ये ब्लू कलर में अप्लाई कर रही हूँ, एंड देन उसके साथ में दूसरा काजल अप्लाई करूँगी अपने वाटर लाइन पर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने लगा लिया है, और ये है मेरा वाइट काजल, जो कि मैं आपको बता ही रही थी कि मैं अपने वाटर लाइन पर एक काजल और अप्लाई करूँगी। तो ये वाइट काजल है जो मैं अपने वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए बहुत डार्क ब्लू नहीं है अभी वाटर लाइन पे ना, थोड़ा चेंज लग रहा है, तो वो लुक बहुत अच्छा आता है। अगर हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, नाइट में जा रहे हैं, ये बहुत प्रिटी लगता है, बहुत सुंदर लगता है। अगर हम ब्लू कलर पहन रहे हैं तो स्पेशली उसके साथ, तो ये बहुत सुंदर आई मेकअप लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और ये दूसरा एक फ्लैट ब्रश है मेरा, जिससे मैं ब्लू कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। और ये मेरा है एक दूसरा पैलेट, इसमें से मैं लूँगी ये वाइट कलर। और ये ब्रश है मेरा, थोड़ा स्मॉल ब्रश है ये, और इससे मैं अपने ब्रोज लाइन पर, आईब्रोज के नीचे ब्राबून पर, इसको थोड़ा वाइट शेड मुझे देना है, तो वहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। और अब हम अप्लाई कर रहे हैं आईलाइनर, तो मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। और इसमें देखिए मैंने जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो सारा निकाल दिया है, तो आप भी अपना एक्स्ट्रा जो भी उसमें प्रोडक्ट है उसे प्लीज़ रिमूव करिएगा, वरना आई पे जो हम आईलाइनर अप्लाई कर रहे होते हैं वो कई बार फैल जाता है, तो बहुत ख़राब लगता है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइड में मैंने ब्लैक कलर से ही वो विंग क्रिएट किया है, तो हमें इसमें आईलाइनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये अब हम थोड़ा आईब्रो सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से फिल किया था, सेट नहीं किया था। और ये है मेरे लैसेस जो मैं अप्लाई करने वाली हूँ। लैसेस के बिना तो आपको पता ही है कि आई मेकअप मुझे कंप्लीट नहीं लगता। और ये मस्कारा है, जिससे मैं थोड़ा अपने लैशेस को पहले कर्ल कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें अपने लैशेस को अप्लाई करूँगी। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, इसमें मैं जो नीचे वाले लैशेस हैं मेरे, उनको मैं बिल्कुल भी इसको मस्कारा नहीं लगाने वाली हूँ, वो मैं एज इट इज़ छोड़ रही हूँ। आप चाहें तो लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगाना है। और ये है मेरा वाइट कलर का ग्लैटर, जो इस लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, सो यू कैन सी। तो ये ग्लैटर मैंने यूज़ किया है, और स्पेशली नाइट में तो बहुत सुंदर लगता है।
तो मैं अपने फेस पे फ्रेंड पहले ही फाउंडेशन अप्लाई कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्लश यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने ब्लश और हाइलाइटर यूज़ नहीं किया था और लिप कलर, तो वो अब मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट कि वो बहुत ज़्यादा ना दिखे, बट हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि क्योंकि आई मेकअप मेरा बहुत डार्क है, तो थोड़ा सा जो फेस का लुक है वो भी थोड़ा सा डार्क करना होगा। ये मैं इस ब्रश की हेल्प से हाईलाइट कर रही हूँ अपने फेस को। आप जब भी हाईलाइट करें अपने नोज़ पर ज़रूर करें सो दैट नोज़ थोड़ा शार्प दिखे। ये लिप लाइनर है और पहले मैं लिप लाइनर अप्लाई करूँगी एंड देन उसके बाद मैं लिप कलर अप्लाई करूँगी। आप सोच रहे हैं बीच में मैंने लिप्स पर 3 निशान ये क्यों लगाए हैं, तो इसलिए कि इससे थोड़ा बीच में जो कलर है हम कई बार डार्क दिखाना चाहते हैं तो वो हो जाता है। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आई मेकअप बहुत सुंदर है और आप इसको क्रिएट करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी फ्रेंड्स कोई आई मेकअप नहीं हो सकता ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ इससे ज़्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत इजी मेकअप आई मेकअप है, तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करके देखिएगा। और आप काजल की तरह जगह आप लिप लाइनर भी कई बार यूज़ कर सकते हैं। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से मिलूँगी, जब तक के लिए बाय बाय।